गुड मॉर्निंग बसंत साहब, पहले तो बताएं बाजार का आउटलुक, थोड़ी आज कमजोरी हफ्ते की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, क्या खरीदने का मौका है या थोड़ा इंतजार करें? ठीक है, गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल खरीदने का मौका है क्योंकि ये इन्फ्लेशन और डेटा ये सब आएगा, लेकिन जो जिस हिसाब से लोकल इंडिया में बाइंग और इंटरेस्ट है वो मुझे लगता है खत्म नहीं होनी। मैं फिर 3 दिन का दौरा करके आया और मुझे कहीं भी ये नहीं मौका मिला, सब लेने की चेष्टा में है। तो इक्विटी फ्लोज आर गोइंग टू रिमेन स्ट्रांग। अब आपके ऊपर है, आप अगर ज्वाइन कर सके 500 पॉइंट 700 पॉइंट के बाद या नहीं। तो डिक्लाइंस विल बी देयर एक आध बारी, लेकिन मेरे को अंडरटोन बहुत फर्म है और जैसे आपने देखा है फॉरनर्स हैव टर्न बायर्स एंड सो ऑन, तो मुझे कोई दो राय नहीं, इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, लेने की चेष्टा कीजिए और अपने अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। हाँ, आज TCS के नंबर्स है लेकिन मुझे लगता है ऑल द IT न्यूज में बी गेटिंग डिस्काउंटेड बिकॉज TCS का एट्रिशन की वजह से है, द गाइडेंस इज वेरी स्ट्रांग। आज मुझे लगता है सेकेंड हाफ में इनफैक्ट IT कैन बी आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए दो कॉल्स हैं, जो आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताए। तो आप हेडलाइन देखिए, अगर अडानी 5G में आता है तो मेरे हिसाब से अडानी की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है और उसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिसाब से कैपिटल रेस कर रहा है आइडिया और ऊपर भाव पे, दैट बिकम्स अ वेरी वेरी लुक्रेटिव ट्रेड। तो अगर आप रिस्क लेने के मूड में है थोड़ा सा, तो 8.25-8.30 में आइडिया लीजिए, 7.75 का स्टॉप लॉस, लेकिन 10 रुपए का टारगेट आ सकता है क्योंकि आइडिया इज द मोस्ट मैंने सबसे बढ़िया उनके लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। अडानी के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म है और कैश रिच कंपनी है। आइडिया बिकम्स अ वेरी गुड प्ले फॉर एनीबडी वांटिंग टू मेक फोरे इनटू द 5G स्पेक्ट्रम और इनटू द टेलीकॉम स्पेक्ट्रम। तो आइडिया मेरे को रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत फेवरेबल है। आपको पता है 10, 10.5, 12 में तो प्रमोटर ने अपने लिए वारंट भी इशू किए हैं। दूसरा भी कोएगा गैस अथॉरिटी, मुझे लगता है गेल में जितने मार्जिन एक्सपेंशन आएंगे विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग और जो गैस प्राइसेस फॉल किए उनका डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एडेड मोर। प्लस आपको पता है कि पॉलीप्रोपिलीन और एसिड में उनकी जो एंसिलरी होती है दैट विल डू वेरी वेल। 38.5-38 में लीजिए, 34.50 का स्टॉप लॉस, 143.50-144 का टारगेट। ओके, तो ये दो स्टॉक है जिन पर आपको करना है फोकस, आइडिया खरीदें और गेल खरीदें। आइडिया 8.25 पर लेना है, 7.75 का स्टॉप लॉस, 10 का टारगेट। गेल खरीदना 138 रुपए के आसपास, 134.50 का स्टॉप लॉस और साथ ही टारगेट 143.50-144 का। अभी हिमांशु जी भी कह रहे थे और बसंत साहब भी कह रहे थे, एक बार फिर से मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, ये क्लियर कर दें कि अडानी का जो प्लान है 5G में ऑक्शन में स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करने का, वो सिर्फ और सिर्फ उनके कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, उनके जो पोर्ट्स इंफ्रा वगैरह जो सारी वो उनके बिजनेसेस है उनमें जो टेक्नोलॉजी की उन्हें जरूरत होती है, उनके लिए जो बैंडविड्थ की जरूरत होती है उसके लिए वो कर रहे हैं, न कि वो मोबाइल बिजनेस में उतर रहे हैं। ये क्लेरिफिकेशन ग्रुप की तरफ से आया है, यानी कि भारती, रिलायंस जियो और आइडिया की तरह उनका मोबाइल बिजनेस नहीं होगा, लेकिन हाँ 5G स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनमें फर्क है, ये ध्यान में रखिएगा।